चक कर रहा है। ये रिपोर्ट आहे त माना जेको जेको ही वायरस आयो आहे कोरोना, असल में इंसान ई जेको आहे इंसाननि खे मारण जे लाइ ठाहियो आहे। जो घणो शक कयो थो वञे रूस ऐं चीन जे तरफ़ा त हीउ अमेरिका ठाहियो आहे। दावा ये भी किया जा रहा है कि कोरोना कोई वायरस नहीं है बल्कि एक ऐसा इंसानी बम है जिसे इंसान ने बकायदा लेबोरेटरी में बनाया है और इसका शक दुनिया के सुपर पावर्स की तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया में दो देशों के ही नाम घूम रहे हैं, पहला है चीन और दूसरा है अमेरिका। खबर वायरल ये है कि कोरोना वायरस को इन्हीं देशों की लैब्स में बतौर बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया गया है, यानी कि जैविक हथियार के तौर पर इन्हें डेवलप किया गया है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि चीन और अमेरिका खुद दोनों देश एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुकम्मल पड़ताल के बाद आपको बताएंगे कि महामारी बन चुके कोरोना को लेकर चीन अमेरिका पर क्या आरोप लगा रहा है और अमेरिका चीन को कैसे गुनहगार ठहरा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जिस कोरोना को जैविक हथियार कहा जा रहा है उसकी बात कहाँ से शुरू हुई। ये वही शहर जिसके बारे में दावा किया जाता है कि पहली बार दुनिया को तहलाने वाला कोरोना वायरस यहां से बाहर निकला।